बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर में शिव धाम में एक अनोखी परंपरा शुरू की गई है। दरअसल यहां मोती माता की स्थापना नवरात्र के बाद दशहरे के दिन की जाती है और कई दिनों तक माता की आराधना की जाती है। बता दें कि यह परंपरा पंडित योगेश महाराज द्वारा शुरू की गई थी, जिनका मानना है कि मोती माता उन्हें स्वप्न में दिखाई देती हैं और उन्हें अपनी स्थापना के लिए प्रेरित किया था। वहीं इस परंपरा के तहत ही धर्म आधारित प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें 2 साल से लेकर 70 साल तक के महिला और पुरुष ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में धर्म आधारित प्रश्न पूछे गए, जिसका उद्देश्य लोगों को धर्म और संस्कृति का ज्ञान देना था। पंडित योगेश महाराज का कहना है कि धर्म में फिल्मी गीत और आडंबर नहीं होने चाहिए, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह परंपरा न केवल धर्म को बढ़ावा देती है बल्कि संस्कृति को भी आगे बढ़ाती है। बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। विषय यह है कि महाराष्ट्र के खाम में मोठी देवी का उत्सव मनाया जाता है और 20 साल पहले एक मान मानी थी और उसको भूल गया था, तो माता जी का चेहरा बार बार सपने में आता था, तो उसको पूरा करने के लिए 1 साल के लिए माता की स्थापना करी थी मैंने, लेकिन ग्रामीणों के सभी के आग्रह पर 5 साल के स्थापना के लिए संकल्प लिया था। तो 4th साल है माता की स्थापना का। हम लोग त्यौहार, हमारी जो सनातन धर्म संस्कृति है उसमें त्यौहारों का बहुत महत्व है, चाहे हम 10 दिन का गणेश उत्सव मनाते हो, नवरात्रि मनाते हैं, तो इसमें कहीं एक अच्छी सीख जाए कि हम लोग फिल्मी गानों के बजाय इस तरह के आयोजन करें। हमारी सनातन धर्म संस्कृति परंपरा क्या है यह सभी को मालूम पड़े, छोटे छोटे बच्चे इसको सीखें।